हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग पर। तो आज हम लोग जा रहे हैं मूर्ति देखने। तो मैंने भी देखिए मूर्ति रखा है, और मैंने म्यूजिक विद भास्कर शर्मा, और भास्कर शर्मा ढोलक पर यहाँ पर बैठ के गाना गाया होगा, तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा मेरी मूर्ति। तो आज हम जा रहे हैं मूर्ति देखने। आज नवमी है, तो कल दसवीं तो विसर्जन भी हो जाएगा। तो बस मम्मी लोग तैयार हो जाए, मैं तो एकदम फिट हूँ। तो चलिए अब चलते हैं। तो ये देखिए मेरा माता जी का भवन बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने लाइट बंद कर दी है, और कल एकदम तो सूना हो जाएगा। मैं ब्लॉग बनाऊंगा उसका भी, कल विसर्जन का ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगा मैं आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि गणेश विसर्जन का मैं आप लोग को ज़्यादा नहीं दिखा पाया था कि कैसे विसर्जन हुआ है। तो कल मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोग को कि पहले हम लोग कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, उसके बाद विसर्जन होगा। और रावण भी मैंने बनाया है, चलिए मैं रावण दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, और रावण भी दहन होगा तो मैं आप लोग को उसका भी ब्लॉग ज़रूर दिखाऊँगा। ये देखिए इतना अच्छा नहीं बना पाया हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल से बना रहा हूँ, तो ये 3रा साल रावण का था, तो इसलिए ज़रूरी था बनाना। मम्मी लोग तैयार हो चुकी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग पहले मास्क लगा लिए कि कहीं कोई घुसने ना दे पंडाल में, तो बहुत दुखी हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग चल दिए, सब लोग 7 लोग हैं। तो देखिए हम लोग बैटरी रिक्शा पे बैठ चुके हैं। देखिए तो ये एक पंडाल गांव में, उन लोग के गांव का है, तो एक पंडाल वो सजाए, यहाँ की मूर्ति हम लोग को दिख जाएगी। देखिए बहुत छोटी छोटी रखी गई है, लेकिन और ये पंडाल है, उसी पंडाल के थोड़ा सा आगे बहुत सुंदर मूर्ति रखी गई है। तो यहाँ पे लग रहा बहुत लंबा पंडाल सजा है अंदर, तो अभी मैं लौट के आऊँगा तब यहाँ पे देखूँगा। और एक पंडाल उसी के बगल में है। तो हम लोग रिक्शा से उतर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर चौक पे हैं, चौक में हैं, लेकिन अभी हम लोग इस जाएंगे चौक आएगा, लेकिन अभी हम लोग बस अड्डे पे हैं, गुरु नानक चौराहे पे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर मूर्ति, यहाँ पे कई जगह भंडारा हो रहा है, तो काफ़ी भीड़ भी है। और ये शायद काली माता और दुर्गा माता दोनों मूर्ति रखी है, बहुत सुंदर। यहाँ पे भंडारा होने जा रहा है, ये छोला चावल है। तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा पंडाल सजा है। हमें बस यही एक फेस्टिवल है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, नवरात्र। ये तो मंदिर है माता जी का, मूर्ति यहाँ रखी गई है, क्योंकि मंदिर के अंदर देखना तो यहाँ पहाड़ों के बीच में माता रानी की मूर्ति रखी गई है, बहुत सुंदर लग रहा है ये भी, बहुत। ये देखिए एक पंडाल यहाँ पे भी लगा, बहुत सुंदर मूर्ति है, छोटी सी है लेकिन बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे पुलिस भी खड़ी है, देख रही है कि ज़्यादा भीड़ ना लगे। तो वहाँ पे भंडारा चालू हुआ, तो हम लोग पहले वहाँ से प्रसाद लेंगे। चावल है, देखो यहाँ पे जो पंडाल सजा, यहाँ पे तो बहुत काफी भीड़ है। ये देखिए काफी सुंदर, अरे हम बहुत सुंदर मूर्ति है। यहाँ प्रसाद यहाँ पे बैठ के हम लोग हवा खा रहे हैं। पहले गोंडा में कहीं भी
मूर्ति नहीं रखी जाती थी, तो केवल यहीं पे ही रखी जाती थी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की दुर्गा माता, बंगाली माता हैं कि पता नहीं, ये तो नहीं पता है, देखने से ही पता चलेगा। तो देखते हैं, शायद बंगाली माता है। हाँ, छोटी सी ही हैं, बंगाली माता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दान पात्र, ये देखिए कितनी सुंदर बंगाली माता, बहुत सुंदर बंगाली माता है। तो मैं अभी यहाँ पे बड़गांव में आ गया हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं अभी तो भी माता जी नहीं देख पाया हूँ, और ये झूला भी लगा है, तो अब जा रहा हूँ। यहाँ पे भीड़ कुछ कम हुई है। तो ये देखिए, हम लोग ने भोपू खरीदा है, तो मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ इसकी। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग हर बार आते हैं, यहाँ पे कम भीड़ है, तो चलिए माता के दर्शन हम लोग यहाँ पे कर ही लेते हैं। मौका मिला तो मौका हम लोग कभी गंवाना नहीं चाहिए। ये देखिए, अंदर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे भी बहुत भीड़ है। यहाँ पे कोरोना संक्रमण की प्रतिमा बनाई गई है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।